सीतापुर के रेउसा थाना इलाके के कुसमौरा में आयोजित हिंदू महापंचायत स्थगित जरूर हो गई है, लेकिन इसे लेकर फिर से आंदोलन के आसार बनते जा रहे हैं। दरअसल आयोजकों का कहना है कि प्रशासन ने उनको गुमराह किया है और अगर यह सच साबित हुआ तो संगठन फिर से धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होगा। बता दें कि कुसमौरा बाजार में गुरुवार को हिंदू महापंचायत का कार्यक्रम तय था। कार्यक्रम में साध्वी प्राची और संत शिरोमणि त्यागी महाराज को भी शामिल होना था, लेकिन हिंदू महापंचायत स्थगित होने के बाद उनका कार्यक्रम भी टल गया। विवादित भूमि कुर्क किए जाने व अन्य मांगों को पूरा किए जाने के आश्वासन पर हिंदू महापंचायत स्थगित कर दी गई, लेकिन इसके पीछे प्रशासन पर छल करने का आरोप बजरंग दल के प्रखंड संयोजक संदीप अवस्थी ने लगाया है। उनका क्या कहना है आप भी सुने। ऐसा जो हमसे बताया गया था उस बताने में कहीं ना कहीं एक छल किया जा रहा है हम लोगों के साथ में। हमने प्रशासन की पूरी मदद की, प्रशासन ने कहा आप आयोजन को टाल दीजिए, साध्वी दीदी को मत बुलाइए, बजरंग मुनि को मत बुलाइए, हम आपकी सारी मांगे मान रहे हैं। इसके बाद जो मेन विवादित चीजें थी उन विवादित चीजों को उसमें से निकाल के फिर एक आदेश बनाया गया है। वो जो हमारा कुआं था, जो कुआं दबा पड़ा है मदरसे के नीचे, तो उन्होंने कहा था हम उस पूरे क्षेत्र को सीज कर देंगे, वहाँ किसी का अधिकार नहीं रहेगा जब तक मुकदमा विचाराधीन है। लेकिन इसके बाद भी अभी जब अभी लोगों ने उसको पढ़ा, जो आदेश इन्होंने पास किया है उसमें साफ साफ यही लिखा हुआ है कि इन चीजों को छोड़कर जहाँ पे कुटी हमारी हिंदुओं की थी उस पर अनाधिकृत मुसलमानों का कब्जा है, तो उसको उन्होंने बाहर निकाल दिया। उससे जहाँ पे हमारा कुआं था उस पे उनका बना हुआ है मदरसा, उस चीज को उन्होंने बाहर निकाल दिया। तो फिर वो सिर्फ जो जमीन है, जो सैकड़ों बीघे करोड़ों की जमीन है, सिर्फ उस पे उन्होंने आदेश पारित किया है। कुछ हम लोगों से गलतियां हुई हैं, चूंकि हम प्रशासन की बातों में आ गए, उनकी बात सारी समझ गए। अभी SDM साहब ने कहा है, CO साहब ने कि हम उनको लेकर आ रहे हैं, अभी फिर से एक बार उसकी पुष्टि कर लेंगे हम लोग। अगर उसमें ऐसा नहीं हुआ है, अगर उन स्थलों को निकाल के आदेश पारित किया गया, तो हमको कतई मंजूर नहीं है। ये हमारे साथ छल हुआ है और हम इस आंदोलन को कतई बंद नहीं करेंगे। हम फिर से आह्वान करेंगे, फिर से जो हमारे आने वाले थे हमारे हिंदू धर्म पुरोधा, मैं फिर से उनको आहूत करूंगा यहाँ। उधर कुसमौरा बाजार में हिंदू महापंचायत स्थगित होने के बाद प्रसिद्ध त्यागी बाबा के आश्रम पर हरिहरपुर में गुरुवार को ही भंडारे का आयोजन किया गया। बता दें रेउसा थाना क्षेत्र में कुसमौरा गांव में एक समुदाय के स्वामित्व व कब्जेदारी के विवाद में हिंदूवादी संगठन बजरंग दल ने वहां पर हिंदू महापंचायत आयोजित करने का ऐलान किया था। हिंदू महापंचायत की खबर जब प्रशासन तक पहुंची तो विवादित भूमि को कुर्क करने के साथ अन्य मांगों को पूरा किए जाने का आश्वासन देकर प्रशासन ने हिंदू महापंचायत स्थगित करा दी। हिंदू महापंचायत आयोजन के दृष्टिगत सुरक्षा व शांति व्यवस्था को लेकर पहले से ही भारी पुलिस बल मौजूद है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए वहां PAC बल के साथ ही रेउसा के अलावा थाना सकरन, बिसवां, पिसावां, सदरपुर, तंबौर सहित अन्य थानों की पुलिस मौजूद रही। सुबह से हो रही बारिश के बावजूद आसपास के गांव हरिहरपुर, कुसमौरा आदि गांव के रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई। मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी डॉक्टर राजीव दीक्षित, SDM बिसवां PL मौर्य, CO बिसवां अभिषेक प्रताप अजय, तहसीलदार अविचल प्रताप सिंह सहित कई थानों की फोर्स मौजूद रही। आयोजकों द्वारा प्रशासन पर छल करने का आरोप लगाए जाने के बावत तहसीलदार बिसवां अविचल प्रताप सिंह ने बताया कि संगठन पदाधिकारी ठीक तरह से समझ नहीं पाए थे, अब ऐसी कोई बात नहीं है। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।